हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। भोजपुरी के स्टार, भोजपुरी के ऐसे रानी, ऐसे सुपरस्टार हीरोइन, भोजपुरी के ऐसे हीरोइन जिनका नाम है काजल भगवानी, आ गई है ये जोरदार तालियां। हमें भोजपुरी की रानी है, भोजपुरी के सुपरस्टार हीरोइन है काजल भगवानी मैडम आ चुकी है। उनको कैप्चर करके उनको लेके आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। साथ साथ में डॉग भी आया है, तो जोड़े तालियां डॉग के लिए। आइए प्लीज कम, हाँ डॉग के लिए तालियां, क्योंकि डॉग क्योंकि अरे भाई पीछे भोजपुरी के अरे पीछे सर Thank you.
पसंद करे उसे और बस हमेशा उनका प्यार दे. और आज अगर मैं उनकी फेवरेट बनी हूँ तो मेरे वर्क से बनी हूँ. फिल्म में तो आती जाती रहती है सो बट कॉन्सेप्ट होते हैं जो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे. आर्मी के ऊपर भी है एक फिल्म जो कि बहुत ज़्यादातर बनती नहीं है, सब लव स्टोरी एक्शन ड्रामा यही होता है. सो आर्मी के ऊपर बन रहा है तो मुझे एक करने का एक वो भी था क्रेज था कि मैं वो भी फिल्म करूँ. एंड बस अच्छा लग रहा है एंड इतना पब्लिक से प्यार मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है. सर आप बताइए राजन जी के साथ कितने मतलब एक्साइटेड है काम करने के लिए और थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं हमारी. काजल जी के साथ मैंने जब भी काम किया है, ये मेरी तीसरी फिल्म है, तो एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट रहती है. और क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जब आदमी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, विचार मिलते हैं, तो काम करने का मज़ा भी बहुत आता है. तो इनके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जैसे ही बताया कि इस फिल्म में भी काजल हैं तो स्पेशली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपनी पहली मूवी स्टार्ट की थी तो उसमें ये हमारे अपोजिट थी. और इनका बिहेवियर वर्क के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि वो पब्लिक बोलती है, हमारे ऑडियंस बोलते हैं. और स्पेशली हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो काम करने में बहुत मज़ा आता है. जैसे सर ने कहा कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री को लेकर मेहनत हो रही है. बस अभी मेहनत होगी, आज मुहूर्त हो चुका है सो हम स्क्रिप्ट पे बैठेंगे एंड देखेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं, इसमें कुछ नया ला सकते हैं, तो सब तैयारियां होगी बैठ के. काजल जी इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें भी आ रही है, तो आपको लगता है कि एक अच्छा लक्षण है भोजपुरी सिनेमा के लिए? नहीं है, बहुत ही अच्छा है बिकॉज शायद 3 साल से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हुई है और हम लोग तो कोशिश कर ही रहे कि हम चेंज करते रहे और बस प्रयास कर रहे हैं और भगवान हमें आशीर्वाद दे और हम सफलता के और चले. और सारे हमारे गवर्नमेंट्स भी हैं जो बिहार के, सब लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्री को भी हम आगे बढ़ा सकें. जैसे मराठी है, हिंदी है, सारी चीज़ है, पंजाबी है, हर एक चीज़ चलती है. आजकल गुजराती भी बहुत अच्छा क्या वो बन रहा है. तो हमारे बिहार के गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे. और जो फिल्म में हमारी ड्रॉप हो रही थी लेकिन अभी कुछ क्रेज़ बढ़ चुका है सो हम कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ दीजिए मैंने एक्चुअली ये बातें मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है बट मैं कपड़े भिजवा रही हूँ. मैंने अभी तक कहीं भी नहीं बोला, तो आपने क्वेश्चन कर लिया, बताना पड़ेगा. बट मैं कपड़े भिजवा रही हूँ जबकि मैंने आज ही ऑर्डर प्लेस किया है तो बस आपको पता चलेगा बहुत जल्द. काजल जी इसके अलावा कहा जाता है कि मतलब पहले कहा जाता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 स्टार हैं लेकिन अभी नए नए स्टार भी आ रहे हैं जैसे सर है और भी बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टार्स बहुत सारे हैं, सारे ही स्टार्स हैं हमारे जितने भी इंडस्ट्री हैं, बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, हमारी भोजीवुड है, हर एक चीज़. मैं हर इंसान को स्टार मानती हूँ बिकॉज हर इंसान बहुत मेहनत करता है, वो भी उतने ही दिन शूट करता है गर्मी में लाइट्स के सामने, ऊपर से भी धूप आता है, सामने से भी लाइट जाती है. सारे स्टार्स हैं, बस किसी का लक होता है, कोई पब्लिक ज़्यादा लाइक करती है, हर एक चीज़ें हैं बट सब लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, मेरी नज़र में सारे स्टार्स. सर आपसे भी सेम सवाल है, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? पहले कहा जाता था कि भोजपुरी में सिर्फ 3 स्टार्स हैं, अब जो है नए नए लोग आ रहे हैं. नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ये कहना कि सिर्फ 3 स्टार हैं, 2 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, तो ये अनजस्टिस हो जाएगा उन लोगों के साथ जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए. उस इंडस्ट्री को खड़ा करके उन लोगों ने सौंपा है किसी के हाथ में, तो आज हम लोग इस पर अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. रही बात ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि एक प्रोपेगेंडा है जो नहीं होना चाहिए. हर आदमी अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है और फिल्में आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अच्छी फिल्म होगी
तो किसी की भी फिल्म चलेगी, वो चाहे जो हो, स्टार हो, एक नया लड़का आता है, मुझे लगता है कि आज चीज जो स्टार हैं वो भी कभी नए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया होगा, तो मुझे लगता है हर आदमी को अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए बस। जैसे बॉलीवुड में है सलमान, शाहरुख, आमिर, जो तीन स्टार वहाँ कैसे बोले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे मानन जो है अमिताभ जी है, तो उनसे बड़ा तो कोई स्टार है नहीं, और कोई मानते भी नहीं, वो लोग भी खुद मानते हैं, बट स्टार एक होता है कि हम पब्लिक के सामने कैसे हम वो करते हैं, उनको परोसते हैं अपना वर्क एंड ऑल सारी चीज़ें हम, तो फिर वही है हमारा वर्क से हम स्टार बनते हैं और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली बनेंगे। अच्छा, जैसे आपने नाम मेंशन किया बच्चन साहब का और शाहरुख खान जी का, तो जैसे भोजपुरी में काजल और खेसारी है, वैसे मतलब बॉलीवुड में शाहरुख और काजल की जोड़ी को कहा जाता है, मतलब ऐसा कंपेयर किया जा रहा है बॉलीवुड में? हमारा बॉन्डिंग अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है, पब्लिक पसंद करती है, हम करते हैं तो लाइव दिखता है, हमारी स्टोरीज अलग अलग बेस पे होती हैं, सो हम लोग कोशिश करते हैं कि पब्लिक बोर ना हो किसी चीज़ों से, सेम स्टोरीज हो, सेम एक्टिंग हो, हर एक चीज़ सेम हम नहीं करते हैं, कभी हम माँ बाप भी बन जाते हैं, कभी हम लवर्स भी बन जाते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ का भी कैरेक्टर करते हैं, सो हम कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं, कभी वो हिंदू बनते, कभी मैं मुसलमान बनती, कभी वो मुसलमान बनते, कभी मैं हिंदू बनती हूँ, सो एक केमिस्ट्री है और पब्लिक वो पसंद करती है, सो थैंक यू सो मच, मैं तो पब्लिक को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमारे पैर को पसंद किया और इतना प्यार दे रहे हैं। हनी मेरी जान है एंड मैं एनिमल लवर हूँ बहुत बड़ी, और मैं कहीं भी शूट पे जाती हूँ तो मैं उसको लेके जाती हूँ, सिर्फ आउटडोर नहीं लेके जा सकती, यूपी बिहार नहीं लेके जा सकती, बट गुजरात तक मैं उसे लेके जाती हूँ, बिकॉज विदाउट उसके मैं रह नहीं पाती, तो मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरे साथ चलती है, और मेरी मम्मी भी। थैंक यू। ओके सर, तीन फिल्मों का साथ में मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये तीनों फिल्में कैसी होगी? जैसे हम देख पा रहे हैं कि माही थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की लग रही है, जबकि रण थोड़ा सा मतलब एक्शन टाइप की फिल्म लग रही है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को रूबरू कराए फिल्मों से। माही रोमांटिक है और रण भी रोमांटिक ही है, मनोरंजन है, लेकिन रण में थोड़ा सा हम लोगों ने समय की मांग को देखते हुए नई तकनीकी हिसाब से जो फाइट को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि आज की यूथ जनरेशन जो है, नई जनरेशन जो है, फाइट भी देखना चाहती है, रोमांस भी चाहती है और कॉमेडी भी चाहती है, तो तीनों का मिला जुला एक अच्छा सा, अच्छे तकनीक से, अच्छे लोकेशन को ध्यान में रख करके इस चीज़ को, मूवी को बनाने को हमने वो सोचा है। जो रण है, नाम जैसा रण है, इसमें निश्चित तौर से थोड़ा रण की जो एक इमेज है, एक रिफ्लेक्शन है, निश्चित तौर से रहेगा, रोमांस के साथ साथ निश्चित तौर से फाइट ध्यान मूवी है, और मनोरंजन तो है ही है, कॉमेडी इसमें बढ़िया है, आप जैसा कि जानते हैं आनंद जी अंजना जी पहले स्टेब्लिश है और भोजपुरी क्वीन मानी ही जाती है, उनकी परफॉर्मेंस कोई बाकी नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको रण में मिलेगी। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे तीनों फिल्मों के बारे में, कैसे जुड़े आप? तो हमारा तो पहला ये नया है, हम कुंभ से जुड़े थे, कुंभ में हमने देखा तो कुछ समझ में आया कि हो जाते हैं सर आप जुड़ कैसे नहीं, कुंभ जब बनी तभी हम इस इंडस्ट्री में आए, भोजपुरी फिल्मों के बारे में सुनते थे कि ऐसे ऐसे हैं, तो हम लोग देखने नहीं जाते थे कि बलगर्टी उसमें परिवार को लेके देखना, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम जुड़ के देखते हैं एक्चुअल में है क्या, और फिर जब जुड़े तो मुझे लगा कि अगर इस बलगर्टी को हटा के और बढ़िया फिल्म कोई बनाई जाए तो हम लोग परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, फिर भी जो है इसका नाम और वो जो है हिंदी से और साउथ से कम में आंका जाता है, तो अगर कोई हम इस क्षेत्र में ऐसा अच्छा काम करें तो ये भी इंडस्ट्री जो है ऊपर आए और अच्छे से लोग देखें परिवार के साथ बैठ के। तीनों फिल्में, एक तो फिल्म शूट हो ही चुकी है जो अभी आने वाली है, दो फिल्में हैं, एक रण है जो अभी अक्टूबर के लास्ट से शुरू होगा, और माही जो है ये दिसंबर में शुरू होगा, अक्टूबर रण जो है वो लखनऊ में ज़्यादा शूट होगा, 20% काठमांडू और अदर स्टेटों में शूट होगा। जल्दी लोगों के सामने आने वाले दो फिल्मों का मुहूर्त हो चुका है, एक तो फिल्म बन चुकी है जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ।
चित्रकार, ये दोनों में किस प्रकार का कंपटीशन किया गया, अलग अलग कुछ है जरा जानकारी दे। सबसे पहले अपने मीडिया बंधु का सबका आभार व्यक्त करते हैं आप आए यहाँ पे। और सबसे पहले कुंभ की बात करते हैं, कुंभ हमारी जिसका स्पोस्टर ही नहीं था, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। एक बार दर्शकों से दर्शकों से उम्मीद करते हैं इस पिक्चर को जरूर जाके देखें। इसमें संजय भाई का हमारे बहुत अच्छा गाना है। संजय भाई का रितेश भाई का जो आप नेचर देख रहे हैं बड़े शर्मीले किस्म के हैं, बोलते बड़े कम हैं और इसीलिए ये खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग के लिए भी अच्छा हो गया कि जब प्रोड्यूसर कम बोलता है तो हमारे काम करने का लिबर्टी बढ़ जाता है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने जो कुंभ फिल्म को प्रोड्यूस किया है, अभी लगातार और दो फिल्म का आज अनाउंस किया है रितेश भाई ने, हमारी शुभकामनाएँ हैं। और कुंभ के बारे में वही कहूँगा कि बहुत शानदार फिल्म बनी है और मेरा कैरेक्टर भी बहुत शानदार है, जैसा कि रितेश भैया ने कहा है। मतलब जैसे कि मुन्ना सर्किट और जय वीरू जो केमिस्ट्री हम लोग हिंदी सिनेमा में देखा है हम लोग, कुछ वैसा ही कुछ इस फिल्म में भी हम लोग का जो कॉम्बिनेशन है आनंद जी के साथ। अभी तो सिर्फ मुहूर्त हुआ है, लगा हुआ मैं प्रोड्यूसर के साथ बैठा इसीलिए हूँ कि आज साइनिंग तो हो ही जाए। वैसे हमारे बड़े भाई हैं और एक फिल्म हमने बहुत अच्छे माहौल में किया है। कुछ चीज़ें होती हैं कि पहली जो पहला ओवर जो होता है ना वो खेलने का बड़ा रिस्क रहता है, तो हम लोगों ने पहला ओवर खेल लिया, इतना टेंशन नहीं है। अगर चेक नहीं भी हो तो मैं तो हूँ इनकी फिल्म। बड़े हो गया है रितेश भाई। थैंक यू, आपने इस बात का जिक्र किया, आपके बहाने कम से कम मैं फाइनल हो गया। सबसे पहले तमाम भोजपुरी दर्शक लोगों के मैं प्रणाम बटे, धनंजय मिश्रा संगीतकार हम। और आज कुंभ एगो फिल्म आ रहा बा आपके सामने जो बन के एकदम तैयार बटे, ओकर सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ रेडी बटे। आज ओकर फर्स्ट लुक लॉन्च होता, पहला लुक ओकर का बटे, वो फिल्म कैसन बनल बटे, ओकर पहला पोस्टर आज लॉन्च होता। और साथ साथ आज हमारे दूगो फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, एगो फिल्म का नाम है रण, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। और एक फिल्म है माही, तो ये दो फिल्म का मुहूर्त बटे और एक फिल्म का जौन फिल्म बन के तैयार बटे, बस शीघ्र प्रदर्शित खातिर बस इंतज़ार होता थे कि कब रिलीज हुई, आप लोगों के सामने आई, वो लोग देखब हो के सराहब, हमारा विश्वास बटे कि वो लोग उनके पसंद आए। जैसा इसका टाइटल है उससे प्रयागराज और कुंभ से बहुत रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस टाइटल का जो सार है, इसका जो मूल तत्व है, वो इस फिल्म में थोड़ा सा आपको ऑफबीट फिल्म भी आपको नज़र आएगी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको डरावना चीज़ भी नज़र आएगा पहली बार भोजपुरी में। और रोमांस तो खैर एक्सट्रीम है, एक हमारे हीरो को किसी आत्मा से प्यार हो जाता है और वो आत्मा ऐसी कि मिल नहीं सकती, और वो तड़प और वो चाहत और वो प्यार रोमांस कैसे डायरेक्टर ने इसको फिल्माया है वो आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। और मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई उस फिल्म को देखने के बाद, पहली बार जब मैं उस फिल्म को ट्रायल के लिए हम लोग देखे मेरे मुंह से बाहर निकला आप, और मैं जल्दी अपनी फिल्म की तारीफ नहीं करता, लेकिन एक म्यूजिक का प्रकार तो खैर कुछ नहीं है, क्योंकि साउंडिंग जो आज बज रहा है, जो बिक रहा है, वो साउंडिंग है, फोक से रिलेटेड गाने हैं। और बहुत हमने कोशिश किया है कि मातृ संगीत को जो ट्रेडिशनल लोक संगीत होता है उसको हम टच में रखें और उसकी आत्मा को जीने दें, हमने कोशिश की। संजय जी आप क्या कहेंगे कि सरकार का आपका किरदार है, सबसे
सबसे पहले तो मैं अभी अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबका संजय महानंद, आप सबका गोधना, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एक नाम दिया है गोधना, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उस गोधना को आपकी चाहत के हिसाब से पेश करूँ। तो इस फिल्म जो कुंभ फिल्म है, कुंभ फिल्म में भी आपको गोधना आपके ही रंग रूप में दिखेगा। बहुत ही शानदार फिल्म, मैं बहुत ही शानदार कैरेक्टर है मेरा, और हमारे भाई मनोज जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, और हमारे जो निर्माता है रितेश जी, उन सब ने, आनंद जी जो फिल्म के हीरो हैं, सबका धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं हैं। आनंद जी और मेरी केमिस्ट्री इस फिल्म में बहुत ही शानदार दिखने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। तो मैं कुंभ फिल्म के सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और अभी हमारी दो फिल्मों का मुहूर्त भी है, तो सबको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। अभी तो हम कुंभ फिल्म के मुहूर्त में पोस्टर लॉन्चिंग में आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और भी फिल्में हैं, धीरे धीरे जब जब वो ओकेशन आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मेरी फिल्म फिलहाल तो बता दूं कि अभी एक विवाह फिल्म आने वाली है जो कि दीपावली छठ में आएगी, बहुत ही शानदार फिल्म, बहुत ही पारिवारिक, और एकदम एक हमारी जो रीजनल, हमारी रीजन जो चीज़ें हैं, हमारी जो कल्चर है उससे रिलेटेड है, उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर मेरा, बहुत मज़ा आने वाला है। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों फिल्म में अलग अलग हैं लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई नायक और पाई कोई नायिका है। हाँ, दोनों ही अलग सब्जेक्ट और अलग विषय की फिल्में होंगी, ऐसी आशा है, और उसके लिए हम सभी जो हमारे चंद्रपंत जी निर्देशक हैं दोनों फिल्मों के, उनको हमारी बधाई शुभकामनाएं हैं। जो रितेश जी हैं प्रोड्यूसर हैं, और भी हमारे सह निर्देशक हैं, सह निर्माता हैं, उन सबको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अभी कहानी में चर्चा होगी तो कहानी के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत हुई नहीं तो ज़्यादा बताना लाजमी नहीं समझता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भोजपुरी दर्शकों का, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को, कि मुझे इस बार 2019 का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया, जो कि भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड में जो कलकत्ता में हुआ था वहाँ मुझे दिया गया। बहुत खुश हूँ मैं, अच्छा लगता है जब आपको अपने काम का प्रतिसाद मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो निसंदेह बहुत बड़ी खुशी होती है, और एक नई ऊर्जा के साथ कलाकार काम करता है जब उसके काम को सम्मान दिया जाता है। थैंक यू। जवाबदारी तो खुद की खुद से बढ़ती जाती है और वो रोज बढ़ती है, लेकिन हाँ, एक बात है कि खुशी का एहसास होता है जब आपको आपके मेहनत का पुरस्कार के रूप में अगर कुछ आपको सम्मान मिलता है तो खुशी थोड़ी और बढ़ जाती है, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा का संचार एक नए तरीके से होता है, और कुछ करने की ललक जगती है, और कुछ नया बनाने की एक एनर्जी आती है। और धनंजय भैया, हमको एक ही मंच में दिया गया, इस बात की भी खुशी है। एक दबंग सरकार फिल्म है हमारी, उसमें एक गाना है तो पब्लिक ने बहुत पसंद किया, पागल बने के कारण पसंद की पागल। इस गाने के लिए मुझे ये गाना, चूँकि इसका साउंडिंग, इसका कंपोजिशन और टोटली इसका जो पैकेज था बहुत अच्छा, मुझे वो इस फिल्म में गाना बहुत पसंद है। आज कुंभ की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे बड़ी खुशी क्या और नहीं, अवार्ड है इसकी खुशी है, बहुत अच्छी बात है, और वो प्रसन्नता अपने दिल में भी है। मैं अपने दर्शकों से शेयर भी कर चुका हूँ और हमेशा करता रहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहें और लोग मुझे पुरस्कार भी देते रहें, हमारे गाने को सुनते रहें आप लोग, तो वो गाना फिर कभी अगर मौका मिला तो जरूर। थोड़ा सा गा देते, पागल बने बेकार पत्थर की, पागल बने बेकार, बहुत अच्छा गाया। मैं कोशिश कर रहा था भैया को पिंच करके कि शायद गा ले, लेकिन आज कुंभ की बात करें, रण की बात करें, कुछ ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। तो सबसे पहले कि बहुत दुख की बात ये है कि प्राकृतिक आपदा है, और उसमें हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग जो बेघर हो गए, जिनका सब कुछ दह गया, बह गया, और उनको कहीं आसरा नहीं है, न खाने को अन्न है, न पीने को पानी है, और उनके
इस तकलीफ में हमारे इंडस्ट्री के भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा हमारी अपनी इंडस्ट्री के सारे लोगों से कि कृपया आप जो दर्शक आपको इतना बड़ा बनाता है, उन दर्शकों को अगर कभी भी प्राकृतिक आपदा में अगर परेशानी हो रही है तो आप कृपया बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोग हैं तो हम हैं, लोग नहीं हैं तो हम कभी किसी भी मुकाम पर नहीं पहुँच पाएगा। और माता रानी से नवरात्रि का सीजन है, नवरात्रि का दिन है, माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरीके से जो जहाँ है उसको सलामत रखे, उसको जिंदा रखे, उसको अन्न दे और उसको उसका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब परमात्मा ने किया है। लेकिन माता रानी जल्दी से जल्दी इस आपदा को दूर करें, और हमारे इंडस्ट्री के लोग भी अगर थोड़ा सा जितने लोग कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मेरे तरफ से है, जो नहीं सोच रहे हैं वो लोग भी अगर सोचे तो थोड़ा अच्छा। सोच रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ग्रुप में और चर्चाएं हो रही है, रोज चर्चा हो रही है, सारे लोग बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत एक चिंता की घड़ी तो है, और बिहार के लिए बहुत, हम लोग सब वहीं से जाने जाते हैं, हमारे दर्शक हमारे भगवान होते हैं, और आज वही संकट में है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने तरीके से जितना हो सके करें। तो हमारी संवेदनाएं हैं हमारे सभी बिहार के भाइयों बहनों के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तरफ से जो भी हो सके, हम जो भी सहयोग कर सकते हैं करेंगे। और मैं कुछ हमारे प्रगतिशील बुद्धिजीवियों से भी मैं अनुनय विनय करूंगा कि जब केरल में बाढ़ आती है तो सबके अकाउंट नंबर खुल जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है सबके अकाउंट नंबर खुल जाते हैं, कृपया बिहार में बाढ़ है अब आप लोग भी अपना अकाउंट नंबर दें और खोलें, सहायता करें। पहले तो नमस्कार दोस्तों, इस अवसर पे मैं इन पूरी टीम को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इनको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह ये मुहूर्त हो रहा है, ये फिल्म इसी तरह सुपर डुपर हिट। मैं भी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, और रण और भूमि जो इन्होंने दो पिक्चर अनाउंस की है, चाहता हूँ कि दोनों अच्छी सक्सेस हो, और कुंभ का जो पोस्टर लॉन्च किया वो भी पिक्चर जल्दी बनाए और अच्छी पिक्चर बने। आप भी किसी फिल्म से जुड़े हैं, किसी तरह का सपोर्ट है आपको? नहीं अभी ऐसा नहीं है, हम जस्ट वेल विशेस दे रहे हैं। इसके साथ ही सर, बिहार में बाढ़ आया है, क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो बहुत ही दुखी बात है, और सिर्फ दुख प्रकट करने से नहीं होगा, हम सारे लोगों को, मैं पर्सनली आपके माध्यम से ये लोगों से निवेदन करूंगा कि कम हम जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने एक दिन की सैलरी या एक दिन हम जो भी कमाते हैं उसका जो है अनुदान जो है मुख्यमंत्री कोष में जमा करें, हम भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, तो हम लोग लोगों से यही निवेदन करते हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वहाँ की आपदा जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और लोग फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में आ जाए। थैंक यू। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाला दशहरा है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी पावन अवसर पे आज दो फिल्मों का मुहूर्त है, तो मैं पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, खास करके हमारे इस फिल्म के जो हीरो हैं आनंद जी, मैं उनको करीबी से जानता हूँ, लखनऊ से जानता हूँ, तो उनको भी ढेर सारी बधाई हो, और पूरी इंटायर टीम को लाख लाख बधाई। नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह, और आज बहुत खुशी की दिन है कि हम लोग नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ, दशहरा का भी, और पावन त्यौहार आ रहा है छठ, उसका भी आगामी हार्दिक शुभकामना। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग आए आनंद ओझा जी के फिल्म के मुहूर्त पे, दिल से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद प्यार देता हूँ कि फिल्म बने, सुपर डुपर हिट हो, और पूरी इंटायर टीम को बधाई, ये फिल्म अच्छा बने, और फिल्म रण है तो क्या बात है, रण अपने आप में बहुत मजबूत टाइटल है, माही है तो लगता है कि बहुत प्यार मोहब्बत होगा, और कुंभ है तो इसके लिए क्या पूछना है, तो तीनों फिल्मों को शुभकामना है मेरे तरफ से कि फिल्म बने, सुपर डुपर हिट हो, और हमारे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है कि तीन तीन फिल्में, अभी भी अगले दो तीन दिन पहले मैं आया था, तो बहुत अच्छा है, और दिल
विशेष धन्यवाद देता हूँ कि फिल्म अच्छा बने और बनते रहे। अमृत जी, इस खुशी के साथ साथ एक गम भी है, दुख भी है, बिहार में बाढ़ आई हुई है और हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं नवरात्रि की, लेकिन वहाँ पे कुछ आपदाएं आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, इस जो आपदा आई हुई है हमारे बिहार और साथ ही साथ यूपी में और उत्तर भारत में कुछ और भी राज्यों में, मैं इसके लिए बहुत ही अफसोस जाहिर करता हूँ। उन लोगों के साथ हूँ जो इस पीड़ा को हर पल सह रहे हैं और इस समय इस दौर में जो झेल रहे हैं, मैं उस पीड़ा के एकदम गठित हूँ और कुछ एनजीओ के साथ भी हूँ। जैसे अभी कुछ ही पल दिन पहले खेसारी जी भी कुछ एनजीओ को लेके कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं, हम सब उसी इंटायर टीम में हैं और हम जितना हो सकता है लोगों को बोल रहे हैं कि मदद करें और खुद हम उस मदद में एक सहयोगी बनके पिलर और स्तंभ बनके और लोगों को अपने उत्तर भारतीय जो बिहार और यूपी के लोग हैं उनको हम मदद दे रहे हैं। देखिए, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, इस चीज से, इस आपदा से बहुत दुखी हूँ। जो बुरा हाल है पटना और चाहे अपने हमारे जितने भी बारिश के लोग तबाह हुए हैं, फ्लड है, बाढ़ आ गई है, तो उसके लिए हमारे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं मंजीत सिंह भैया से मैंने बोला है और मेरी जितनी भी ताकत है जो मैं हूँ तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोग तक पहुँचे और मेरा जितना भी पहचान है उन लोग से मैं भी बोला हूँ कि भाई इन लोग के लिए कुछ किया जाए, तो वो लोग तैयार हैं, कर रहे हैं। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हम यूपी बिहार से ही ज़्यादा फिल्म करते हैं, चाहे ज़्यादा एक्टर लोग हैं, तो भाई इस आपदा में आप लोग जो बड़े लोग हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं तो छोटा एक्टर हूँ, बहुत फिल्म कम करता हूँ, तो आप प्लीज़ उसके लिए आगे आएँ और जितने भी गरीब लोग हैं, जो फंसे हैं, जो लाचार हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनको मदद करें। दिल से मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई, आप लोग ज़रा देखिए बिहार की ओर, फिल्में लगती हैं, वहीं से हम लोग पैसा कमाते हैं, सबका घर बड़ा भरा हुआ है, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा देखिए, वहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। मैं दिल से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मेरा भी घर के चारों तरफ पानी रहता है और हमारा जिला हरदम दह जाता है इसके लिए। हाँ बिल्कुल, मैं अभी जल्द शूटिंग पूरी हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गया है और मार्केट में ट्रेलर भी आ चुका है जिसका नाम है लव मैरिज। मैंने बिल्कुल अक्षरा जी के साथ में लव मैरिज एक फिल्म की है, तो आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और देखेंगे और जल्द मुझे लग रहा है दशहरे के बाद रिलीज भी होगी। शायद आप पता ना आई होती तो इसी दशहरे में रिलीज होती, हम दशहरे के कुछ समय 10-15-20 दिन बाद रिलीज करेंगे। जिसको हो लेकिन फिल्में और फिल्मों का एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं उनका को आर्टिस्ट हूँ, मेरी को आर्टिस्ट है। बिल्कुल, मैंने बेखुदी उनसे लव किया है और बहुत ही बेइंतहा ये फिल्म बनी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी कि प्यार में कितना ताकत होता है। नहीं बिल्कुल, लोग आए हैं और आते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म फिल्म होती है और फिल्म के किरदार अपने आप में एक मजबूत होता है, चाहे विलन हो चाहे हीरो, सबका अपना एक किरदार होता है, अपने किरदार को बेखुदी से निभाते हैं। जी थैंक यू, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप सभी आए और अच्छा लग रहा है, हैट्रिक, ये कुंभ का फर्स्ट लुक पोस्टर जो लॉन्च किया गया है और दो फिल्मों का मुहूर्त, बहुत अच्छा लग रहा है। तीन फिल्में हैं और तीनों फिल्म में डिफरेंट कैरेक्टर हैं। एज एन एक्टर खुशकिस्मती है मेरी, इस तरीके से मुझे रोल ऑफर किए गए और तीनों में बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर हैं। और अभी आप लोगों के सामने हमारे डायरेक्टर साहब हैं, सब लोग हैं, तो डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और काजल जी, आप क्या अपोजिट हैं और
कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे काजल जी के बारे में, कुछ जानकारी के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। काजल के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है और पहली मूवी जो मेरी थी उसमें मेरे अपोजिट काजल थी, उनकी दूसरी तीसरी थी। तो ये हम लोगों का जो हम लोगों की केमिस्ट्री है और ये बॉन्डिंग है काफ़ी पुरानी है और काफ़ी कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ हम काम करने में। और काजल के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, स्टार हैं आज के डेट में, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और पर्दे के अलावा कैसी कैसा है आपका दिनचर्या? लखनऊ में धमक दिखाई देती है, ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं आप, क्या कहना चाहेंगे और इसको इसको कितना बेनिफिट हुआ इस फिल्म को आपके रियल जिंदगी से? पर्दे के अलावा जो हमारी लाइफ है और जिस तरीके की ड्यूटी है हमारी, तो बचपन में मैं एक सपना देखा करता था कि मैं हीरो बनूंगा, दूसरा ये कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, और दोनों सपने मेरे पूरे हो गए। भगवान ईश्वर की बहुत अनुकंपा है, बहुत खुशकिस्मती है मेरी, दोनों सपने मेरे पूरे हुए। और धमक जो है मुझे नहीं लगता है समाज में एक है मैसेज की इसकी धमक बहुत होती है। मेरा अपना नज़रिया, मैं जहाँ भी ड्यूटी करता हूँ, जहाँ भी मैं रहता हूँ, मेरा अपना नज़रिया ये है कि पब्लिक में एक फ्रेंडली आपकी इमेज होनी चाहिए कि लोग सामने से आके कोई भी बात आपको कह सकें, और कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से बिहेवियर मेरा हो ड्यूटी हो। जाना चाहूँगा काजल अगर उसका जो जोड़ी है वो खिसारी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है पर्दे पे दिखने में, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना एडजस्ट कर पाएंगे इस चीज़ को लेके? नहीं, ऐसा है कि एक एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अमित जी और रेखा जी थी, उनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। रेखा जी ने बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया और लोगों ने पसंद किया, तो मुझे लगता है कि डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का अपना अलग है और ऑडियंस को भी एक अलग तरीके का टेस्ट, अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, तो उनको भी अच्छा लगता है। देखिए क्या जोड़ी बनना अच्छी बात है कि क्या मतलब वो डर भी रहता है कि आगे चलकर अगर कुछ टेंशन हो जाए इस बात को लेकर, कुछ करारे पड़ जाए तो बहुत मुश्किल रहता है, इसका डंडा चलेगा और क्या। देखिए जोड़ी बनना बनाना ये जैसे कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती हैं, जोड़ी ऑडियंस एक ऑडियंस, हमारी ऑडियंस जो है हमारी भगवान है और जो हमारा माध्यम है ऑडियंस से ही सीधा सीधा लगाव है, और वो हमारे काम को किसी के साथ पसंद कर रही हैं तो लोग रिपीट करते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि एक्टर बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होते होंगे कि मेरी जोड़ी इनके साथ बन जाए, क्योंकि ये सारा काम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का है। मैं जहाँ तक रिलेट करता हूँ अपने जॉब से, तो ये सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही डिसाइड करते हैं कि कौन ही कैरेक्टर में कौन होंगे, हीरोइन कौन होंगी, और वो लोग यही चाहते हैं कि पब्लिक और ऑडियंस जिसको पसंद कर रही है उसको रिपीट किया जाए। आनंद जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काजल राघवानी का जो किरदार है आखिर क्या वजह है उसके पीछे कि काजल राघवानी को ही लिया जाए इस चीज़ के लिए? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डायरेक्टर हमारे ज़्यादा अच्छे से देंगे, उनकी स्टोरी है और जितनी भी कास्टिंग है वो प्रोसेस है उन्होंने ही कंप्लीट किया है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनसे मेरी जितना भी कम्युनिकेशन हुई है उन्होंने बोला कि इस रोल के लिए मैंने काजल जी के बारे में सोचा है और बिल्कुल फिट है हमारे रोल में। मुझे मैंने भी बोला कि मुझे भी कंफर्टेबल हम मेरे साथ काम करने में है, साथ काम कीजिए तो फाइनल हो गई। आपका देखिए कुंभ जो अभी हम लोग रिलीज करने वाले हैं, अभी ट्रेलर आने वाला है तुरंत, आप लोग रहेंगे साथ में, और कुंभ में थोड़ा सा टपोरी टाइप का कैरेक्टर है और एक और रण अभी जो आज मुहूर्त होने वाली है टोटल डिफरेंट मूवी है और एक
थोड़ा सा आर्मी मैन का बैकग्राउंड है, वो कैरेक्टर कैरी करते हुए लव स्टोरी है रण का, और माही प्योर लव स्टोरी, रण रिवेंज लव स्टोरी है और माही प्योर लव स्टोरी। जब अपने कैरेक्टर से डिफरेंट कोई भी कैरेक्टर आदमी जब प्ले करता है तो उसके लिए चैलेंज भी होता है, और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें अच्छा भी लगता है। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि आपको पुलिस इंस्पेक्टर का या पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर अगर करना पड़े कैसा लगेगा, मुझे लगता है कि उसमें मुझे बहुत मज़ा नहीं आएगा, मुझे लगेगा मैं ड्यूटी ही कर रहा हूँ। डिफरेंट कैरेक्टर करने में अगर मुझे मैं जो मेरा कैरेक्टर नहीं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तैयारियाँ ज़्यादा करनी पड़ती है, खुद को एक चैलेंज होता है जिसको एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आता है। तो टपोरी का कैरेक्टर, और क्योंकि आए दिन हम लोगों के समाज में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हैं उनको देखते हैं हम लोग, तो होमवर्क कर लिया जाता है, मज़ा आता है वैसे कैरेक्टर को। किसी को फॉलो कर रहे हैं जब आप इंतजार कर रहे थे तो बेसिकली किसी को पकड़ा होगा उस समय और उसका हाव भाव देख के आपने नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को फॉलो किया गया हो, लेकिन हाँ एक एक्टिंग का प्रोसेस जो है जब आप अपने आप को ग्रो करते हैं तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से एक एक्टर अपने आप को ग्रो करता है कि डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर से सीखता है वो कि हमको क्या प्ले करना है, तो यह कैरेक्टर कैसा बिहेव करता है किस तरीके से। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी और डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि आपका आनंद जी ये कैरेक्टर है, तो मैंने फिर देखना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, मेरे इर्द गिर्द या मेरे कंसर्निंग में जो भी लोग इस तरीके के आते थे, इस कैरेक्टर के आते थे, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते थे और काफ़ी हेल्प मिली मुझे अपने कैरेक्टर को। देखिए मैं रहने वाला बिहार का हूँ, पटना कंकड़ बाग में रह के मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और पटना से बहुत गहरा नाता है हमारे रिलेटिव, काफ़ी रिलेटिव हमारे आज पटना में रहते हैं, और क्योंकि डेली फ़ोन पर बात होती है, और वो लोग क्योंकि जुड़ा हुआ आदमी है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे सब लोग उस त्रासदी से गुजर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस त्रासदी से उभर जाएं हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, और बहुत ही दुख होता है देखकर। देखिए मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि एक समाज जो कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि मुंबई में कभी अगर बारिश हो जाती है, बाढ़ हो जाता है, तो यहाँ के मुंबई के जो लोग हैं, प्रशासन के अलावा जो लोग हैं, वो अपने घरों के बाहर खाने के पैकेट्स लेकर, सामान लेकर, और अपने घर में इवन कोई फंसा हुआ है, कहीं दूर का रहने वाला कहीं फंसा हुआ है, तो उसको रोकने के लिए भी, तो इस तरीके से जो समाज कर सकता है, सिस्टम इसी समाज का है जो हमारा जो सिस्टम हम लोग इसी समाज का है, और सिस्टम जो है उसकी लिमिटेड अपनी क्षमताएं, लेकिन समाज की जो असीमित क्षमताएं हैं, तो मैं जागरूक करना चाहूँगा वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के जनता को, कि जो जहाँ पर है जितना सक्षम है उतना वो मदद करें, पीड़ित बाढ़ पीड़ित या फंसे हुए लोगों की मदद करें, और प्रशासन, मुझे लगता है कि प्रशासन अपना रोल प्ले कर रहा होगा, क्योंकि हम इंटरनली जानते हैं
इस तरीके से चीज़ें होती है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और चाहता है कि इस तरीके की चीज़ें जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए और एक्शन लिया जाता है। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो सक्षम जितना है वो अपने लेवल से मदद करें, जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद करें। सर पहले कहीं ये अब मुझे लगता है कि नहीं देखिए करण जौहर बहुत बड़ी शख्सियत हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के और अगर मेरी झलक उनकी तरह से लग रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कॉपी मैं नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये मेरे डिजाइनर और उन लोगों का क्रेडिट है, ये लुक उन्होंने दिया है मुझे, तो अगर बायोग्राफी उनकी बनती है और मुझे करने का मौका मिले तो ज़रूर करूँगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.